नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। नोएडा में प्यार की एक अजीबोगरीब दास्ता सामने आई है। इस दास्ता के मुताबिक एक टीचर को अपने नाबालिग स्टूडेंट से प्यार हो गया है। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि टीचर और स्टूडेंट दोनों गायब हो गए और अब लड़के के पिता ने टीचर के खिलाफ थाने में जाकर मुकदमा लिखवाया है। उसने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके नाबालिग बेटे को ढूंढ कर वापस लाया जाए। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर लिया है। टीचर स्टूडेंट की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि युवती के पास किशोर लगभग 6 महीने पहले ट्यूशन पढ़ने जाता था, जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम की उम्र 22 साल है, लड़के की उम्र भी 16 साल है। अब छात्र के पिता ने टीचर के खिलाफ सेक्टर 113 के पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं बता दे कि सेक्टर 113 के थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रजापति ने बताया है कि उन्नति विहार कॉलोनी में रहने वाले विजय शुक्ला ने शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि 16 वर्षीय बेटा उसी कॉलोनी में रहने वाली आयशा के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था, जहां पर आयशा को उनके बेटे से प्यार हो गया। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि महिला टीचर से प्यार करती थी। पुलिस टीम दोनों की तलाश कर रही है। वहीं बता दें कि छात्र के पिता विजय शुक्ला ने बताया कि उनका बेटा 15 जनवरी को दोपहर को अपनी चाची के घर पर जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद से ही वह घर नहीं आया। उसके दोनों फोन नंबर भी बंद जा रहे हैं। उनका आरोप है कि ट्यूशन टीचर उनके बेटे को अगवा करके फरार हो गई है। विजय शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आपको ये अपडेट कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।